तो आई पिछड़ो में हाथ को मैं छीन लिया जब एक वो दरबा गोट छीन के लेके आ रहा हूँ फिर मैं तो दोस्तों फाइनली हमारे तो होली लगी थी भाई, बढ़िया से होली लगा रहे थे मैं और दादा, तो हमारे प्रधान जी भी आ गए यहाँ पर ऊंचा वाहन के। हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोज पालीवाल है और मैं अल्मोड़ा जनपद यानी ताम्र नगरी के एक छोटे से गांव पाली का रहने वाला खाली। तो ये देखो आज जो है ना वो बन रहा है, क्या बोलते हैं कहें कि नहीं डुबुक। तो दगड़ी आज डुबुक बन रहा और मम्मी ना पीछे हो तो आई पिछड़ो में हाथ को मैं छीन लिया जब एक वो दरबा गोट छीन के लेके आ रहा हूँ फिर मैं। तो दोस्तों इसने नहा लिया है, हर्षो जो है ना ये भैंसों को और जो कटड़ा है ना उसको नहला रहा है। तो ये देखो कितना सातिर हो रहा है, बिल्कुल मारने के लिए तैयार, या बिल्कुल मारने तैयार छू भैया आज, ये गुस्से में है बड़ा तगड़ा वाला। अब यह दोस्तों ये देखिए ना पशुओं में भी कितना ज्यादा प्रेम है ना, तो भैंस के यहाँ पर पीठ में बैठे हैं भाई दो बकरियाँ, दो बकरियों के बच्चे बैठे हैं और वो मस्त हो रहे हैं बिल्कुल बढ़िया से मजे ले रहे हैं। और अब नीचे उतार दे हर्षू, इनको गिरेंगे। चल 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 ये भाई इनके लिए गधेरा वधेरा सब इधर ही है यार। हर्षू तहज भी तू एक भैंस का नहीं न हो पाए, पागल है क्या? मैं कैसे भाग जाऊंगा भैया, इतको नवाड़ हो 2 मिनट। अरे ना बात के नहलाऊंगा ना, ये नहलाने नहीं देता है। अच्छा मान में आता है भगरू खाओ खुल जानी फिर वहां नहाता है गधेरे में वैसे। तो दोस्तों इनके लिए हमने नीचे स्विमिंग पूल बना रखा है एक, ठीक है ना, नौले के नीचे तो वहीं नहाते हैं वैसे ये। अत्यागर नहीं ना वंती करनो आंसर है त्यो कला नो आंसर गुल्ली या नाम गुल्ली छु ये देखिए। और माधवानंद आ गया हमारा, चल माधु मधुआनंद मार दस साले को आज टक्कर कर। स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो गई है, नन्हे नन्हे बच्चे जो है अपने कंधे में बैग लटका के आ रहे हैं। आओ तो सही, भोपी हमारे भोपी आ गए भाई स्कूल से। तो भाई कैसा गया पेपर ये बताओ पहले? अच्छा गया, भोल गया, कैसा गया? अरे अच्छा गया का मतलब क्या होता है ये बताओ, भोल गया? अच्छा गया, भोल गया। तो दोस्तों फाइनली जो डुबका भात था ना बन चुका है, तो पहले कर लेते हैं भोजन और उसके बाद मिलते हैं आप सभी लोगों। कहजू लगायो? अरे यार तुम बताए ना यार, हुलेक वाले एरिया में, तो ये हुलेक वाला एरिया है, तो इधर ही हरदा लोगों का गौशाला भी है हमारे, नीचे ताऊजी लोगों का। और इधर ना अभी नीचे से आग आ चुकी है पूरी, उस साइड से आप देख रहे हो तो पूरा धुआं धुआं आ रहा है। और तो फिलहाल मैं देखने के लिए आया था कि आग कहां तक पहुंची है, तो अभी बुलाते हैं गांव के लोगों को और ना बुझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऊपर साइड में मकान है, तो काफी खतरा बना हुआ है गांव के लिए। गांव ने भी ना अपना रुख काफी ज्यादा तेज कर लिया, हवा भी ऊपर को चल रही है, बहुत तगड़ी वाली हवा चल रही है और आग की लपटें कभी भी ना गांव के करीब आ सकती है। तो दोस्तों देवभूमि के सुंदर सी बातों से आप सभी लोगों का स्वागत है, आप लोगों को नमस्कार है। तो दोस्तों आपको पता है कि कल होलिया है, तो थोड़ा सा छोटी सी होली मैं भी आप लोगों को सुनाता हूं, आज मन कर रहा था गाना बनाने का, होली का तो आपको सुनाता हूं। तो होली कुछ इस प्रकार है भाई, हो जोगियो शहर में लो पारी, हो जोगियो शहर में लो पारी, हाँ इस लो पारी को रूप बहुत है, इस लो पारी को रूप है।
बहुत ज्यादा नशा करके होली बिल्कुल मत करना। अगर आप नशा करके होली करोगे ना तो आपका भांडा फूट जाएगा, घर में कलेश हो जाएगा। भाई साहब भाभी ना आपको लठ मार के घर से बाहर निकालेगी। तो दोस्तों फाइनली हमारी तो होली लगी थी भाई, बढ़िया से होली लगा रहे थे मैं और दादा। तो हमारे प्रधान जी भी आ गए यहाँ पर ऊंचा वाहन के, मैंने आपको पहले भी मिला रखा है, इससे काफी कर्मठ और अच्छे साथी है हमारे, और इस सुंदर सी धरती को और ज्यादा सुंदर बना रहे हैं। आपने ऊंचा वाहन का गांव देखा, वहाँ के थकुली उठार को देखा और साथ ही बहुत सारी पौराणिक चीजें भी देखी। तो अभी फिलहाल ये कहीं को प्रस्थान कर रहे थे तो हमारी मुलाकात होगी इनसे, तो थोड़ा देर गप्पे सप्पे इनसे भी लड़ा ले। तो अभी फिलहाल हम मस्ती करते हैं कुछ और। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल बढ़िया। सूरज तारा जुनियाली ये रहा ताहा को सुना लो, आए है को सुना लो तेरी मेरी बात। स्वर्ग तारा